पहले एग्जॉस्ट था वो साइड से जाता था, लेकिन अब जो एग्जॉस्ट है वो सेंटर माउंटेड है नीचे से। तो गाइस दिस इज विशाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हिम बाइकर विशु। सो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं द रेट्रो मोटर अंबाला में, और यहां पे आज की गाइस अपनी ऑल न्यू एसडी एडवेंचर जो कि खड़ी आप देख सकते हो मेरे पीछे। अभी हम सब करेंगे रिव्यू, आपको बताएंगे बाइक कैसी है, क्या दिखने में कैसी है, और क्या इसमें कलर स्कीम चेंज हुई है। तो गाइस ये है कुछ बाइक, ये है गाइस गोल्फ ग्रे कलर, इसमें चार कलर आते हैं, एक आता है टोर्नेडो ब्लैक, और एक आता है अपना मिडनाइट मैरून, और एक आता है ग्लेशियर व्हाइट कलर। सो ये चार न्यू कलर स्कीम कंपनी ने निकाली है, उसके साथ लिटिल बिट कुछ कुछ चेंजेस किए हैं इस बाइक में। जैसे कि आप देख सकते हो जो एग्जॉस्ट की है, एग्जॉस्ट की जो जो डायरेक्शन थोड़ी चेंज की, जो पहले एग्जॉस्ट था वो साइड से जाता था, लेकिन अब जो एग्जॉस्ट है वो सेंटर माउंटेड है, नीचे से होके आ रहा है, सेंटर से होके फिर इधर से आ रहा है, ये देखिए आप देख सकते हो, और ये नीचे से माउंटेड आ रहा है एग्जॉस्ट। और इसकी जो पहले आप हीटिंग का इशू देखते थे, जो कि फैन की एग्जॉस्ट की जो फैन थी उसकी पैरों पे आपको हीट आती थी, उसकी भी डायरेक्शन ने काफ़ी ठीक कर दिया है, पूरा जो यहाँ से कॉल लगा दिया। देखो इंजन के भाई, ये इंजन कवर भी है साथ में, और ये मेटल का नहीं है, प्लास्टिक का है, ये भी प्लास्टिक का, बट ये है कि इससे आपको हीट नहीं आएगी, आपके पैरों में जो हीट आती थी वो काफ़ी अच्छा सिस्टम कर दिया कंपनी ने, जो कि मेरी बाइक में नहीं है, मेरी एसडी एडवेंचर में अभी देखा होगा आपने, वो साइड से ही जा रहा है, और ये एरिया पूरा ओपन है। और जो कंपनी कह रही है ये है जो इंजन गाइस अल्फा 2 इंजन है, और काफ़ी रिफाइन किया है, काफ़ी डी ट्यून किया है इस इंजन को इन्होंने, और कलर स्कीम भी नहीं निकाली है, और ये लिटिल बिट चेंजेस किए हैं जो आपकी राइड की क्वालिटी को वाइज बहुत ही बढ़िया और आपको अच्छा एक्सपीरियंस देंगे अगर आप इस बाइक के साथ जाते हो। तो छोटी मोटी चीज़ें जो है ना गाइस, तो आपकी राइडिंग क्वालिटी को इन्हांस करती हैं, जैसे कि आप इसका देख लीजिए, आपके सामने एग्जॉस्ट को चेंजेस किए हैं, इंजन को थोड़ा रीट्यून किया है इन्होंने, और गियर रेशियो में कहता पहले आपको पहले और दूसरे में काफ़ी नॉकिंग मिलती थी, अब उसमें इसमें थोड़ा सा आपको कम मिलेगी, और काफ़ी परफॉर्मेंस अच्छी निकल के आएगी पहले और दूसरे गियर में भी, जो उसकी टॉर्क वहाँ पर थोड़ा बढ़ाया किया गया लगी आपको, ताकि थोड़ा अच्छा उस पर रिस्पॉन्स मिले पहले और दूसरे गियर में भी। और ये है कुछ, बाकी तो बाइक देखने बिल्कुल सेम है, बट लेकिन लिटिल बिट चेंजेस किए गए हैं इसके साथ। आपको फ्रंट में वही गाइस 90x90 का टायर, 21 इंच का टायर मिलता है, और ये आपको जो टायर मिलता है गाइस ग्रिप एक्सल C8 की तरफ से मिलता है, और सेम आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, डिस्क ब्रेक का सेम साइज़ है, और बाइबर के आपको डिस्क मिलती है, आपको पिस्टन मिलता है ये, और सेम आपको रियर में भी बाइबर की सिंगल पिस्टन के साथ डिस्क मिलती है, और ड्यू चैनल ABS के साथ आती है। तीन राइडिंग मोड मिलते हैं इसमें आपको, ऑफ रोड, रेन मोड और रोड मोड। रोड मोड आपको बाय डिफॉल्ट रहता ही रहता है। और रियर का जो टायर साइज है गाइस, ये वही अपना जो पहले आता था 130/80/17 का रेयर का टायर साइज मिलता है आपको, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किए गए, C8 का टायर है। जो इसका पहले क्या था गाइस, जो कूलेंट था यहाँ हुआ करता था बिल्कुल नीचे इंजन के साथ, बट अब उसकी भी डायरेक्शन चेंज की है, वो यहाँ पर आ गया, ये माउंटेड है, देखिए यहाँ से इसका कूलेंट पड़ता है। तो ये छोटे छोटे चेंजेस किए हैं कंपनी ने, जिससे क्या ना आपकी एसडी एडवेंचर की जो परफॉर्मेंस है, राइड क्वालिटी है, और थोड़ा जो राइड में थोड़ा बेटर क्वालिटी मिलेगी इन चीज़ों से आपको। तो ये चीज़ें गाइस आपको न्यू एसडी एडवेंचर में मिलने वाली है। नई कलर स्कीम तो आपको बताई दी है गाइस, चार कलर आते हैं, और ये छोटी छोटी चेंजेस हैं इस बाइक में। और मीटर सेम आपको वैसा ही मिलता है, फ्रंट की लुक भी सेम है, हेडलाइट एसडी का यहाँ पर लोगो मिलता है, बैजिंग मिलती है, थ्री लोगो है, एंड और स्विच बार भी सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है आपको, यहाँ भी स्विच सेम मिलते हैं, कोई चेंजेस नहीं है। मीटर कंसोल भी गाइस आपको बिल्कुल सेम मिलता है जो पहले आता था, देख सकते हो आप। और इसमें तीन आपको मिलते हैं, साइड स्टैंड अलर्ट मिलता है, रोड मोड तो ये रहती रहती है, ऑफ रोड मोड और रेड मोड मिलता है इसमें आपको। यहाँ पे आपका टैकोमीटर है, यहाँ पर स्पीड मीटर है, और यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, साथ में आप यहाँ पर टर्न बाई टर्न नेविगेशन देख सकते हो, यहाँ पर ये भी आपको ऑप्शन मिलती है, वो पुराने वाले में मिलती थी। और USB चार्जर के साथ आती है, टाइप ए और टाइप सी के साथ, देख सकते हो USB ये चार्जर के साथ आती है, पहले भी आती थी, लेकिन ये है कि थोड़े थोड़े चेंजेस इन्होंने इंजन में किए हैं, थोड़े एग्जॉस्ट की जो माउंटिंग है थोड़ी बहुत चेंज की है, और कूलेंट की भी ट्रैक्शन उन्होंने पीछे कर दी है। तो ये लिटिल बिट चेंजेस हैं जिससे कि है बाइक थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी। और ये है कुछ पूरा ओवरऑल बाइक का लुक, बाकी सेम आपको ऐसी चीज़ मिलती है ये आपको पीछे, रियर में आपको सैडल स्टे और सारी गाड़ी आपको मुझे लगता है स्टैंडर्ड मिलेगा, और ये भी आपको विंडशील्ड भी स्टैंडर्ड मिलेगी, जो इसका टैंक गार्ड है और लेग गार्ड है, ये आपको ऐसी सीरीज में डलवाना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड भी इसका सेंटर स्टैंड भी आ चुका है, वो भी आपको गाइस ऐसी सीरीज में ही डलवाना पड़ेगा इसका। आपको बता दो BS6 कंप्लेन के कारण थोड़ा सा इसके टॉर्क में और पावर में कुछ ही पॉइंटों का फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं है इंजन में पावर और टॉर्क में। सो जो पुरानी है अगर कंपेयर करोगे कुछ पॉइंटों का, उसमें टॉर्क और पावर आपको थोड़ी कम मिलती है, बट लेकिन वो आपको फील नहीं होगी जब आप चलाओगे। तो गाइस ये है इसकी आइडियल आवाज़, और अभी DB की तरह निकल लगा हुआ है, DB की तरह निकाला नहीं है, फिर DB की तरह आ जाए, थोड़ा रेव करना, ये
तो वैसे ये थी इसकी साउंड एग्जॉस्ट जो आपको सुनाया अभी, आइडियल और थोड़ा रफ करके दोनों सुनाया आपको मैंने, दोनों आपको डिफरेंट वाला जो है थोड़ा सा इसका जो साउंड हल्का सा बेस ही है पुराने मॉडल से थोड़ा सा हम अच्छा निकल के आ रहा है, इंजन की नॉइज़ कम है इसमें। बाकी अगर आप डीवी क्लियर के भी ऑप्शन आपके पास, अगर थोड़ा आपको ज़्यादा बेसिस चाहिए साउंड तो आप डीवी क्लियर रिमूव कर दीजिए, जो कि पुराने वाली एसडी एडवेंचर में भी आता था और इसमें भी मिलता है आपको, एक निकाल के आपको और बेसी साउंड मिल जाएगी इसकी। और ये है कुछ। सो गाइस इस वीडियो को रखते हैं तक, ये था गाइस अपना बीएसडी एडवेंचर का फर्स्ट इंप्रेशन। आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो, अच्छी लगे तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। अब मिलते हैं आपके साथ ऐसी कई अच्छी वीडियो के साथ एडवेंचर राइड के साथ। टिल देन राइड आर राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर हेलमेट व्हाइल यू राइडिंग। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट किसी एडवेंचर राइड के साथ।